अस्सलाम वालेकुम। तो आज यहाँ पर पाँच रोज़ा जो प्रोग्राम हो रहा है, यूथ फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को भी मौका मिल रहा है कि हम आकर अपने प्रोजेक्ट्स बयान करें, प्रेजेंटेशन कर सकें। तो हमारा आज प्रोजेक्ट है पोल्यूशन के बारे में, जो कि यहाँ के लोग बस इसे लाइटली ले रहे हैं कि ये कॉमन है, लेकिन असलन में ये कॉमन नहीं है। इसी की वजह से कई लोग मर रहे हैं, कई लोगों को कैंसर, हार्ट अटैक, इस तरह के तमाम मरीजों का शिकार बन रहे हैं वो लोग। हमें चाहिए कि हम इस पोल्यूशन को कम करें, हम खुद पोल्यूशन ना फैलाएं। इंसान ही खुद पोल्यूशन फैलाते हैं और गवादर में सबसे ज़्यादा आम है। शुक्रिया। वेलकम, आई एम बेसम मुस्तफ़ा फ्रॉम गावा जी डी ए पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। सो हमारा आज का जो कि प्रोजेक्ट है, इसका नाम है गैस लीकेज डिटेक्टर और फायर अलार्म। यानी कि हमारे जो कि प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमने कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं। सबसे मेन कंपोनेंट है आर्डुइनो यूनो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुलरहमान है और आज हम आए हुए हैं यूथ फेस्टिवल में। ये हर स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। टेबलोज, स्पीचेस और भी मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, तो हर स्टूडेंट के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना टैलेंट शो करें, और हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें। और मैंने हिस्सा लिया है ऐसे राइटिंग में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उमेरा नदीम एंड वी आर फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स आईयर सेकेंडरी स्कूल गवादर। आज हम इस यूथ फेस्टिवल में आए हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हम इस टॉपिक, ये पोल्यूशन से हमें क्या नुकसान हो रहे हैं और हमें कैसे पोल्यूशन को ख़त्म करना है और इससे क्या बीमारियाँ फैल रही हैं, और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। मन नाम है नयाल, मैं दालूम सिग्नल पब्लिक स्कूल गवादर आने गया हूँ। ये मैं एक प्रोजेक्ट ही बनाता है, नाम है ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट सेपरेटर। ये तो का ये हमारा चीज़ें, मतलब मैं स्पेस चीज़ें रहा दें या सेपरेट भी स्पेस चीज़ें तो करो, हम ब्लैक के रहा दें या सेपरेट भी ब्लैक की चीज़ें तो करो। तो का एक सेंसर लगे था, आईआर सेंसर, फिर तो का एक ट्रांसमीटर लगे था या रिसीवर लगे था। जब मैं स्पेस रहते हैं या ट्रांसमीटर कलेक्टिंग का चीज करते पता का ये पता रिफ्लेक्ट भी का है, मैं ब्लैक के रहा दें या ट्रांसमीटर कहे पता रिफ्लेक्ट ना भी पता ये ऑब्जर्व भी शेतों का। फिर तो का आर्डिनो लगे था, आर्डिनो से तो का सजे रहा पता ये रोते हैं सौर मोटर तो का पता ये डिग्री ऐसा आप चेंज भी थे यानी मैं देखो 45 डिग्री और देखो 125 डिग्री। वालेकुम, आज मेरा प्रोजेक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के हवाले से है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी है क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अगर हम मिसाल एक बॉल की ले लें तो हम उसे ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस ज़मीन पर क्यों आती है? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेती है। अगर हम मिसाल एक ग्लास की ले लें, उस पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, एक हमारे हाथ का फोर्स और दूसरा ज़मीन की ग्रेविटी का फोर्स। अगर हम अपने हाथ का फोर्स उस पर हटा दें तो सिर्फ उस पर एक ही फोर्स बच जाता है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसी वजह से वो ग्लास गिर के टूट जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेती है।